हेलो माय प्रेशियस फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल व्हिच इज संचिता क्विक हेल्दी एंड टेस्टी। आज मैं आपके लिए बहुत ही सिंपल एंड क्विक अंडा भुर्जी की रेसिपी बनाने वाली हूँ। तो फिर चलिए देरी ना करते हुए देख लेते हैं इसके लिए हम लोगों को क्या क्या चाहिए। तो फिर चलिए चलते हैं किचन की तरफ और बना लेते हैं आज का डिनर अंडा भुर्जी। ये रहे हमारे सिंपल इंग्रेडिएंट्स। मैंने यहाँ पे 5 अंडा लिया है और है सरसों का तेल, 2 मीडियम साइज के प्याज को बारीक से काट लिया है, 5 से 6 हरी मिर्च को बारीक से काट लिया है, 2 टमाटर को बारीक से काट लिया है, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, गरम मसाला पाउडर और नमक। तो चलिए अब सारे अंडे को एक एक करके इस बर्तन में फोड़ लेते हैं। और ये अंडा भुर्जी मैं बना रही हूँ रोटी के साथ खाने के लिए। बहुत ही जल्दी बन जाता है, 15 मिनट्स के अंदर ही आपका अंडा भुर्जी बनकर तैयार हो जाएगा। अब सारे अंडे को फोड़ लेने के बाद अच्छी तरह से अंडे को फेंट लेंगे। अच्छी तरह से फेंट लेने के बाद अब हम चलते हैं गैस की तरफ। कढ़ाई को अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और गर्म होने के बाद इसमें हम देंगे सरसों का तेल। मैंने यहाँ पे 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल लिया है। अब तेल को भी अच्छी तरह से गर्म होने देंगे और करछी से तेल को कढ़ाई के चारों तरफ फैला लेंगे। और तेल गर्म होने के बाद अब इसमें हम देंगे बारीक कटे हुए हरी मिर्च और थोड़ा सा इसको भुनेंगे। और अब इसमें हम देंगे बारीक कटे हुए प्याज। अब हरी मिर्च और प्याज को थोड़ा सा गोल्डन ब्राउन होने तक भून लेंगे। गोल्डन ब्राउन हो गया है, अब इसमें हम देंगे बारीक कटे हुए टमाटर। करछी से एक बार अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और टमाटर को गलने के लिए इसमें हम 2 चुटकी नमक देंगे और बाकी नमक हम बाद में देंगे। नमक देने के बाद अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और हरी मिर्च और प्याज के साथ अच्छी तरह से भुनने देंगे, जिससे कि टमाटर थोड़ा सा नरम हो जाए। टमाटर को जल्दी नरम होने के लिए आप कढ़ाई को ढककर भी रख सकते हैं। इस अंडा भुर्जी को आप ब्रेकफास्ट या फिर डिनर दोनों में ही खा सकते हैं। मैं बना रही हूँ डिनर के लिए, रोटी के साथ खाने के लिए। आप ब्रेकफास्ट में ब्रेड के साथ भी इस अंडे भुर्जी को खा सकते हैं। टमाटर गल जाने के बाद अब इसमें हम देंगे पाउडर मसाले, जिसमें है जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर। सारे पाउडर मसाले को मैंने छोटे चम्मच से 1 चम्मच करके माप के लिया है। आप जब पाउडर मसाले को तेल में देंगे उससे पहले गैस की फ्लेम को ज़रूर कम कर दीजिएगा, एकदम कम, नहीं तो आपका पाउडर मसाला जल सकता है। तो अब गैस की फ्लेम को मैंने एकदम कम करके प्याज, टमाटर, हरी मिर्च और सारे पाउडर मसाले को अच्छी तरह से 1 मिनट के लिए भून लूँगी। और अगर आप मेरी रेसिपी को पसंद करते हैं और मेरे साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो आप मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और सब्सक्राइब करते वक्त पास में जो घंटी है यानी कि नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन करें। 1 मिनट तक मसाले को अच्छी तरह से भून लिया है और आप देख सकते हैं मसाले से तेल भी निकल गया है। अब इसमें हम देंगे फेटा हुआ अंडा और इसमें हम देंगे 3 चुटकी नमक। नमक आप थोड़ा सा केयरफुली दीजिएगा क्योंकि अंडा बहुत ही जल्दी सॉल्टी हो जाता है। और इतना नमक मेरा बच गया है, उसको साइड में रख के अब करछी से मसाले और अंडे को अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। इस समय गैस की फ्लेम को मैंने एकदम हाई पे करके रखा है। अब करछी को जल्दी जल्दी घुमा के अंडे को अच्छी तरह से मसाले के साथ भून लेंगे। आप भी घर पे अंडा भुर्जी बनाइए और मुझे कमेंट करके बताइए आप लोगों का अंडा भुर्जी कैसा बना। और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ मेरा वीडियो ज़रूर शेयर करें। अगर आपको अंडा भुर्जी का कलर थोड़ा फीका लगता है तो आप इसमें हल्दी पाउडर या फिर लाल मिर्च पाउडर भी दे सकते हैं, जिससे कलर थोड़ा सा अच्छा आता है। करछी से अंडे को भूनते वक्त थोड़ा थोड़ा करके तोड़ लेंगे
ज्यादा छोटा नहीं तोड़ेंगे, मीडियम साइज में तोड़ लेंगे। अंडे को कढ़ाई में देने के बाद ऑलमोस्ट 10 मिनट तक हमने इसको भून लिया है। हमारा अंडा भुर्जी रेडी हो गया है। अब मैं गैस को ऑफ कर दूंगी और एक प्लेट में अंडा भुर्जी को उतार लूंगी। थैंक यू सो मच फ्रेंड मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। अब मैं इसको सर्व करूंगी रोटी के साथ। रोटी मैं पहले ही बना लिया था और अभी रात के बज रहे हैं 9। हम लोग तो डिनर कर रहे हैं और आप भी डिनर कर लीजिए। आपसे फिर मुलाकात होगी क्विक हेल्दी एंड टेस्टी रेसिपी के साथ। और हाँ, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, नोटिफिकेशन बेल ऑन करिएगा और मुझे कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच मेरा पूरा वीडियो देखने के लिए। गुड नाइट एंड टेक केयर।